सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भैया आप लोग OB40 अपडेट के बाद गेम के अंदर कोई भी वाटरफॉल में जाके ऐसा फिशिंग कर सकते हो तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? चल झूठा। नहीं, ये सूट भी नहीं और 100% सच भी नहीं। फिर भी आप लोग OB40 अपडेट के बाद एक ट्रिक के मदद से ऐसा फिशिंग कर सकते हो, तो आप लोग कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को आगे बताएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आज के इसी वीडियो में मैं आप लोगों को OB40 अपडेट के बाद आने वाला ऐसे टॉप 20 चेंजेस या फिर इवेंट अपडेट के बारे में बताएंगे जो कि आप लोगों को अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, ज्यादा लेट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। उसके पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना। तो देखो गाइस, इस वीडियो के लिए कल रात 2 बजे तक जागना पड़ा। और गाइस, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आप लोगों को हमारे चैनल के अंदर ऐसे फ्री फायर में आने वाला इवेंट या फिर अपडेट के बारे में हमेशा वीडियो देखने को मिलता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहले तो मैं आप लोगों को OB40 अपडेट के बाद आने वाला टॉप 10 चेंजेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद में आप लोगों को OB40 अपडेट के बाद आने वाला टॉप 10 इवेंट्स के बारे में बताएंगे। चेंज नंबर 1, OB40 अपडेट के बाद जो फ्री फायर का लॉबी होता है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब कलर नहीं, इसका जो पूरा बायोग्राफी होता है ना वही चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मतलब गाइस, अपडेट के पहले कैसा है और आप लोगों को अपडेट के बाद पूरा का पूरा बदल के चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसका डिफरेंस ही देख लो भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है अपडेट के बाद लॉबी। चेंज नंबर 2, अपडेट के बाद मैप में जो रिमनम प्लेस होता है ना, वहाँ पर आप लोगों को छोटा छोटा बनाना ट्री का गार्डन देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये जो बनाना ट्री होता है ना, ये पुराने ओल्ड फ्री फायर का वाइब देता है। आप लोगों को पता होगा, यानी बहुत लोगों को पता होगा कि मतलब पुराने दिन में मतलब ऐसा मतलब जो है ना बनाना ट्री का गार्डन वगैरह था, मतलब पानी के साइड में था, और अभी आप लोगों को फिर से वो भी अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग अपडेट के बाद जो कस्टम होता है ना, कस्टम खेलते हो ना, तो आप लोगों को कभी कभी ये जो रिमना मैप होता है ना, वो आप लोगों को कस्टम में देखने को मिलेगा। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने टेस्ट वगैरह किया था, ये आप लोगों को कस्टम में देखने को मिलेगा OB40 अपडेट के बाद। और साथ ही साथ इस रिमना में आप लोगों को एक घर देखने को मिलेगा। आप लोग जितना भी ट्राई करो, इस दरवाजे से आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं ये ग्लिच है फिर क्या है, या आप लोगों को OB अपडेट के बाद शायद देखने को मिलेगा। चेंज नंबर 3, अपडेट के बाद आप लोगों को एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है सोनिया। और गाइस, एक फीमेल पैसिव कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन ये कोई मामूली कैरेक्टर नहीं, क्लैश स्क्वाड का किंग क्वीन होने वाला है। क्योंकि गाइस, ये आप लोगों को इनडायरेक्टली 350 SP देने वाला है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो देखो गाइस, अभी मैं यहां पर ये कैरेक्टर यूज करता हूं और यहां पर मेरे को इनमिने डैमेज देगा। देखना गाइस, यहां पर देखो मेरे को इनमिने डैमेज दिया और 200+ डैमेज दे दिया, फिर भी मैं यहां पर नहीं मरा, बल्कि यहां पर मैं खुद ही इनमि को मार दूंगा। तो गाइस, नहीं समझे, मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं। तो देखो गाइस, ये कैरेक्टर यूज करने के बाद अगर आपको इनमिने मार देता है ना, तुरंत ही आप लोगों को 7 सेकंड के अंदर आप लोगों को 150 का SP मिलेगा। और 7 सेकंड के अंदर ही आपको भी इनमि को मारना पड़ेगा, तब भी जाके आपका जो SP होता है ना वो परमानेंट रहेगा, नहीं तो आप खुद ही मर जाओगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूं। देखना गाइस, इनमी ने मेरे को हेडशॉट देगा AWM से, फिर भी मैं नहीं मरूंगा, बल्कि मैं ही खुद इनमी को मार दूंगा। यहाँ पर देखो, मतलब गाइस, आपको जितना भी डैमेज पड़े फिर भी आप लोग नहीं मरोगे, मतलब आपको 7 सेकंड का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर से सेम वीडियो क्लिप खुद ही देख लो कि भैया मतलब AWM से जो डैमेज देने के बाद जो नहीं मरता, यहाँ पर देखो भाई, मतलब हेडशॉट देने के बाद में नहीं मरता, समझ रहे हो ना। मतलब ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है क्लैश स्क्वाड के लिए। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को और एक टेस्ट करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये कैरेक्टर लेके कूदने के बाद क्या इसका स्किल काम करेगा? तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं कूद गया और यहाँ पर मेरे को 7 सेकंड मिला। उस 7 सेकंड के अंदर ही मैं जो इनहेलर होता है ना, यानी मेडिकेट, वो यूज कर लिया, लेकिन मैं जी पाऊंगा क्या? नहीं, ओ भाई साहब, मैं तो मर गया। मतलब गाइस, इस कैरेक्टर को लेके आप लोग ऊपर से कूद नहीं सकते, या फिर जो जोन होता है ना, जोन के अंदर आप लोग नहीं रह सकते, इसका स्किल काम नहीं करेगा। फिर भी ये कैरेक्टर बहुत ही ओपी होने वाला है, ये आप लोगों को अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। चेंज नंबर 4, शायद आपको पता होगा कि भैया अपडेट के बाद जो डीजे आलोक होता है ना, उसका इलाइट वर्जन यानी एबेकिंग वर्जन आने वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस, ये मतलब जो आलोक होता है ना, यानी इलाइट आलोक होता है ना, ये कोई काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को खुद ही प्रूफ देता हूँ। तो गाइस, इलाइट आलोक का एबिलिटी यूज करने के बाद यहाँ पर आपके पीछे कुछ जो होता है ना, म्यूजिक का ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को ऐसे ड्रॉप वगैरह देखने को मिलेगा इलाइट आलोक एबिलिटी यूज करने के बाद। लेकिन इसका काम क्या है? तो गाइस, इस इलाइट आलोक से आपको तो थोड़ा भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपको सिर्फ 30 SP मिलेगा, लेकिन आपका जो टीममेट फ्रेंड होता है ना, उसको बहुत ज्यादा SP मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आलोक का ड्रॉप होता है ना, वो कंज्यूम करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना SP बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा SP मिलता है आपका टीममेट को, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। चेंज नंबर 5, अपडेट के बाद आप लोगों को लॉबी के नीचे यहाँ पर एक F का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप लोग जो रैंक सीजन होता है ना, या फिर जो होता है ना लीडरबोर्ड वगैरह, यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एचीवमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस या फिर मिशन होने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को फ्री में बहुत सारी OP रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो गाइस, क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं आप लोगों को सारा का सारा रिवॉर्ड दिखाता हूँ। उसके बाद ये मिशन कैसे कम्प्लीट करना पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो मिशन कम्प्लीट करके पॉइंट कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जितना भी रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलता होगा ना, ये सारा का सारा पॉइंट कलेक्ट करने के बाद मिलेगा। और गाइस, यहाँ पर आप लोगों को एक OP सा इमोट भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो देखो गाइस, ये जो इमोट होता है ना, ये अभी तक पूरा कवर रेडी नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो, इमोट शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इमोट मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में।
और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को और भी रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलेगा ये मिशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फ्री में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ग्लूएल का स्किन, गाने स्किन, ये सारा का सारा आप लोगों को अपडेट के बाद ये इवेंट वगैरह देखने को मिलेगा। और गाइस जैसे जैसे आप लोग के मिशन वगैरह कंप्लीट करते जाओगे ना आप लोगों को यहाँ पर एक बैज मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में। तो गाइस ये बहुत ही काम का होने वाला है क्योंकि अगर आप लोग किसी के ग्रुप में जाते हो या फिर मैसेज वगैरह करते हो ना तो बैज का जो होता है ना एक आइकॉन शो होगा। और गाइस ये सारा बैज लेने के लिए आप लोगों को मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि किल करना पड़ेगा या फिर डैमेज देना पड़ेगा या फिर एक गन से मतलब ज्यादा किल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मिशन वगैरह होने वाला है। देखो ये अपडेट के बाद आएगा, जब इवेंट आएगा तब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। सीन्स नंबर 6, गाइस आप लोग जब भी गेम के अंदर जाओगे ना आप लोगों को यहाँ पर प्लेन के ऊपर एक मैजिक क्यूब का आइलैंड देखने को मिलेगा। तो गाइस ये क्या है? सो गाइस अपडेट के बाद सोलो मोड के अंदर अगर आप लोग मर जाते हो ना यहाँ पर देख सकते हो, मर जाने के बाद आप लोग इस वेटिंग आइलैंड में आ सकते हो, यानी एक वेटिंग आइलैंड होने वाला है जहाँ पर आके आप लोग वेट कर सकते हो, यानी रिवाइव होने तक यहाँ पर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अपडेट के बाद ही। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए एक लाइन है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप लोग रिवाइव हो जाओगे। और यहाँ पर एक लाइन जो होता है ना ये जल्दी जल्दी कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये मैजिक क्यूब वगैरह फोड़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप लोग रनिंग ज्यादा से ज्यादा रनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो रनिंग करने के बाद ये कलरिंग हो जाता है, जो क्यूब होता है ना वो कलरिंग टाइप का हो जाता है। तो इतना जल्दी जल्दी जब हो जाएगा ना मतलब जितना जल्दी आप लोग ये रनिंग वगैरह करोगे ना तब आप लोग कितना जल्दी रिवाइव हो सकते हो। सेंस नंबर 7, अपडेट के बाद आप लोगों को कुछ जगह पे जो होता है ना यहाँ पर ऐसा कुछ क्यूब देखने को मिलेगा। भाई ये क्या हो रहा है? भाई यहाँ पर देख सकते हो क्या ग्लिच वगैरह कुछ टाइप का हो रहा है। तो गाइस जो क्यूब होता है ना ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ये आप लोगों को मतलब जो होता है ना मैप के अंदर कुछ जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिमनम साइट में भी आप लोगों को ये क्यूब देखने को मिलेगा, शायद और भी जगह पे आप लोगों को ये क्यूब देखने को मिल सकता है अपडेट के बाद। सेंस नंबर 8, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई आप लोग अपडेट के बाद फिशिंग कर सकते हो, हाँ फिशिंग कर सकते हो लेकिन इसका एक कंडीशन है। तो गाइस फिशिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डायमंड स्पिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप लोग जो होता है ना ये बिना पानी के भी आप लोग फिशिंग कर सकते हो, यानी आप लोगों को एक इमोट परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप लोग कहीं पे भी आप लोग फिशिंग कर सकते हो, समझ रहे हो ना, मतलब पानी हो या ना हो कहीं से भी आप लोग फिशिंग कर सकते हो। एक्चुअली ये इवेंट के अंदर आता है फिर भी मैं आप लोगों को सेंसेस के अंदर दिखा दिया क्योंकि इतना सारा इवेंट्स वगैरह आने वाला है ना अपडेट के बाद, सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को देखते रहना। सेंसेस नंबर 9, शायद आप लोगों को पता होगा कि भैया अपडेट के बाद एक न्यू पेट आने वाला है, लेकिन ये पेट तो नहीं है, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना, इसका कोई एबिलिटी मतलब इसका कोई एबिलिटी नहीं, समझ रहे हो ना भाई, क्या बताओ, अभी तक तो एबिलिटी कुछ नहीं है। शायद आप लोगों को अपडेट के बाद इसका एबिलिटी वगैरह मतलब ऐड होते हुए भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस एडवांस सर्वर क्यों देता है, ताकि कोई बग या फिर ग्लिच हो तो उसको सुधरने के लिए, तो हो भी सकता है कि इसका कोई एबिलिटी ऐड हो फ्यूचर में। सेंस नंबर 10, अपडेट के बाद आप लोगों को और भी बहुत कुछ सेंसेस देखने को मिलेगा, जहां से यहां पर स्टार्ट के बटन के साइड में आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक मैसेज का। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर आप लोग मेल या फिर फीमेल का जो वॉइस होता है ना वो सिलेक्ट करके रख सकते हो और यहां पर देख सकते हो, सेव भी कर सकते हो फॉलो मी या फिर जो भी होता है ना, यहां पर मैसेज क्विक मैसेज का भी सेव कर सकते हो। और भी बहुत कुछ सेंसेस वगैरह आने वाला है, सारा का सारा अभी आज का वीडियो में नहीं दिखाएंगे, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट और एक वीडियो लाने वाला हूं, उस वीडियो में सारा का सारा सब कुछ बताएंगे। और आप लोगों को तो पता होगा कि भैया न्यू लॉबी आने वाला है, लॉबी में भी बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। गाइस अभी बात कर लेते हैं ओबी40 अपडेट के बाद आने वाला टॉप 10 इवेंट्स के बारे में। गाइस आप लोगों को तो बनी बंडल के बारे में पता होगा ना, ब्लैक बनी बंडल, उसके बाद अभी आप लोगों को और 3 बनी बंडल देखने को मिलेगा जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये शायद कोई लाक रॉयल वगैरह में आने वाला है, जिसका मतलब बाउसर वगैरह जो होता है ना यहां पर आप लोग देख सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अलग टाइप का इवेंट के अंदर आए, लेकिन आप लोगों को ये सारे बनी बंडल देखने को मिलेगा। इवेंट नंबर 2, गाइस आप लोग तो 5th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में पता होगा ना, अभी आप लोगों को 6th एनिवर्सरी इवेंट देखने को मिलेगा शायद ओबी40 अपडेट के बाद। तो गाइस उस इवेंट में आप लोगों को ये जो एबेकिंग आलोक होता है ना ये आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा। और गाइस सिर्फ ये आलोक ही नहीं, और भी बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि आप लोगों को 6th एनिवर्सरी इवेंट के ऊपर आप लोगों को एक MP40 यानी ईवो MP40 भी देखने को मिलेगा 2.0 वाला, ये मैं आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में दिखाया था, ये भी आप लोगों को 6th एनिवर्सरी इवेंट के थीम के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो देखो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब सिंपली बता रहा हूं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट और एक वीडियो में 6th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और भाई प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। इवेंट नंबर 4, तो देखो गाइस MP40 से पहले और भी इवोगन्स वगैरह आया था, जैसे कि इवो Z18 आया था, उसके बाद आप लोगों को और एक इवोगन देखने को मिल रहा था, यानी इवो S80 का स्किन भी देखने को मिल रहा था। ये सब कब से पेंडिंग है, अभी तक ये नहीं आया, अचानक से MP40 आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि भैया इवो स्कार 2.0 भी आने वाला है, ये सारा का सारा पेंडिंग है, लेकिन अचानक से इवो MP40 आ गया, ये भी आने वाला है, ये मतलब अभी जल्दी आने वाला है। इवेंट नंबर 5, जैसे कि गाइस बानी बंडल आने वाला है, उसके साथ साथ आप लोगों को और भी बंडल्स वगैरह देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों को कुछ बंडल्स वगैरह गोल्ड रॉयल के अंदर या फिर वो भी इवेंट के अंदर या फिर आप लोगों को फ्री में भी मिलेगा और बुया पास के अंदर भी देखने को मिलेगा।
तो गाइस इवेंट नंबर 6 में आप लोगों को कुछ इमोट देखने को मिलेगा, कुछ नहीं यहाँ पर अभी सिर्फ दो ही इमोट निकल के आए हैं। पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे इमोट दिखाया था, यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये मछली पकड़ने वाला इमोट दिखा दिया ना, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक इमोट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये कोई युवागान का इमोट जैसा लग रहा है, फिर भी ये नॉर्मल शायद इमोट भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में बहुत सारे इमोट वगैरह दिखाया था, वो तो आप लोगों ने देख रहे होगा ना, अगर नहीं देखा तो चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। इवेंट नंबर 7 अपडेट के बाद आप लोगों को बहुत सारे गाने स्किन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ फोटो दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। इवेंट नंबर 8 अपडेट के बाद आप लोगों को फिर से ट्रैप इवेंट देखने को मिलेगा। बस आप लोग जानकर रखो कि ट्रैप इवेंट आने वाला है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और इवेंट नंबर 9 में आप लोगों को यहाँ पर 3 ACT का स्किन देखने को मिलेगा जो कि मैं आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में भी बताया था, फिर भी यहाँ पर ये सारा गान का स्किन वगैरह आप लोगों को जो है ना एक रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि भैया आप लोगों को अलग टाइप का वो इवेंट के अंदर देखने को मिले। हाँ, बाहर सर्वर में इंक्यूबेटर में आने वाला है लेकिन शायद इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि इंडिया में इंक्यूबेटर रिमूव होने वाला है। इवेंट नंबर 10 31 मई को आने वाला है OB40 का अपडेट, उसके बाद ही मैं आप लोगों को अभी जितना सारा बताया ना वो सारा का सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके लिए मैं अलग से और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।